हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक जेल का रिव्यू करने वाली हूँ। वो है ये एवर यूथ नेचुरल्स का नरिशिंग एलोवेरा एंड कुकुम्बर जेल। तो मुझे जेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं एज अ मॉइस्चराइजर ज़्यादातर जेल्स यूज़ करती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा कुकुम्बर जेल एवर यूथ का। तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एलोवेरा जेल कितना अच्छा होता है, कुकुम्बर जेल कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो इसीलिए मैं आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ। इसने मेरी स्किन पर कैसा काम किया और क्या आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, परचेज़ करना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है एवर यूथ नेचुरल्स का एलोवेरा कुकुम्बर जेल, जो कि 100% एलोवेरा और कुकुम्बर के एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ है, जो कि स्किन की मल्टीपल प्रॉब्लम्स को दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है और एक्ने को दूर करता है, रैशेज हो गए हैं उनको दूर करता है, स्किन पे कर्ट्स हैं उन पे काम करता है। ऐसे ही जो कुकुम्बर होता है इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन को सूदिंग करता है और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को ये दूर करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और ग्लोइंग बनाता है। ये जो जेल है सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तभी आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। इस जेल को सिर्फ आप अपने स्किन पे ही नहीं, आप अपने बालों पे भी यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल है तो हर कोई कई तरीक़ों से एलोवेरा जेल को यूज़ करता है। कोई पैक की तरह, फेस पैक की तरह, हेयर पैक की तरह यूज़ करता है, कुछ लोग उसमें एसेंशियल ऑयल्स, करियर ऑयल्स मिला के यूज़ करते हैं। तो आप इसको अपने तरीके से, किसी भी टाइप से आप इस जेल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। तो आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, इसके बाद आप एज अ मॉइस्चराइजर इसको लगा सकते हैं। ओवरनाइट भी आप इसको लगा के रख सकते हैं, बहुत अच्छे आपको इसको लगाने के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो मुझे सबसे अच्छी बात इस जेल की ये लगी कि इसमें जो जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो विद क्वांटिटी बताई गई है कि इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, इतनी क्वांटिटी में यूज़ की गई है। तो इसमें एलोवेरा और कुकुम्बर का लीव का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है और पैराबेन सल्फेट वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया गया है। इसमें कलर यूज़ किया गया है और हल्का ग्रीन कलर है इसका। और फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत तीखी फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपको इरिटेट करेगी, माइल्ड फ्रेग्रेंस है और जो कि कुछ देर बाद चली जाती है। जब आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। ज़्यादातर जो एलोवेरा जेल्स होते हैं उनको लगाने के बाद थोड़ा सा चिपचिप होता है, इसको लगाने के बाद भी थोड़ा सा चिपचिप होगा, पर कुछ देर के बाद जब ये जेल एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपको बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगा और ना ही आपकी स्किन को ऑयली बनाएगा। मतलब 4-5 घंटे तक आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आएगा, जैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी, साथ ही साथ सॉफ्ट भी लगेगी। पैक ये 100 ग्राम का पैक है, इसके प्राइस की बात करूँ तो ये सिर्फ 90 रुपीज़ का है और ये काम बहुत अच्छा करता है। मतलब महंगे महंगे जेल्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वैसे ही ये काम करता है। इवन मैं कहूँगी कि ये उससे अच्छा ही काम करता है क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ किए गए हैं और तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 90 रुपीज़ का है। ऑनलाइन आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएंगे, आपको ऑफलाइन भी ये जेल इजीली अवेलेबल है, तो आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा एलोवेरा जेल यूज़ करती ही करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को सूट करता है। मैं ज़्यादातर पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, उसमें भी टी ट्री ऑयल मिक्स करके इसको यूज़ करती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे कोई भी चीज़ लगाने से पहले डर लगता है कि कहीं ये मेरे एक्ने को ना बढ़ा दे। तो अगर आप टी ट्री ऑयल मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी आपके एक्ने बढ़ेंगे नहीं, साथ ही साथ जल्दी से दूर होंगे। अगर आप इस जेल को अकेले भी लगाते हो तो बहुत अच्छे से स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ने प्रोन स्किन है तब भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप इसे इसलिए यूज़ कर रहे हैं जैसे आपके पिंपल दूर हो जाएं, दाग धब्बे दूर हो जाएं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है या फिर आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले लीजिए। और आई होप आज का वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।